नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है PsychoTech। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गूगल मैप का यूज़ करके हम कैसे किसी का लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं या अपनी एक्टिविटीज़ को जान सकते हैं कि कल हम कहाँ थे, कितने टाइम के लिए हम गाड़ी से गए हैं, कितना टाइम पैदल चले हैं, कितना टाइम मेट्रो से गए हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको गूगल मैप प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको गूगल मैप को ओपन करना है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मेन्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे योर टाइमलाइन का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस पेज खुलने के बाद आपको टॉप राइट में एक कैलेंडर का आइकन दिखेगा, आइकन को क्लिक करते हैं तो आपको डेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, डेट्स विजिबल हो जाएंगे, और जिस डेट की एक्टिविटी और टाइमलाइन आप देखना चाहते हैं जस्ट उस पर क्लिक करना है। सपोज़ मैं 18th of October का देखना चाहता हूँ, तो मैंने 18th of October पे क्लिक किया है, अभी लोड हो रहा है। जैसे लोड हुआ तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कितना मिनट मैंने ट्रैवल किया है पूरे दिन में, मतलब यहाँ 25 माइल दिखा रहा है, लगभग 35-36 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया है और टोटल ट्रैवल टाइम है 2 hour 1 minute। अब इसमें किस टाइम आपने ट्रैवल किया है, कहाँ से किया है, कितना देर आप पैदल चले हैं, कितने देर आप गाड़ी से गए हैं, कितने देर आप मेट्रो से गए हैं, सारा आपको शो होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने अपने घर से स्टार्ट किया, फिर अपने वर्क पे पहुंचा, वर्क पे मैं 10 बजे से लेकर 3:53 तक रहा, फिर वहाँ से 4.4 miles 21 minutes का ट्रैवल करके ड्राइव करके वहाँ से मैं कश्मीर हाउस, फिर वहाँ से ड्राइव किया मैंने 7 miles 41 minutes, फिर मैं यहाँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचा, फिर वहाँ मैंने वॉक भी किया, वॉकिंग का दिखा रहा है यहाँ पे सिग्नल, देन फिर वहाँ से ड्राइव करके दूसरी जगह पे पहुँचा, फिर वहाँ वॉक किया, फिर वहाँ से ड्राइव करके मैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँचा। तो सारी एक्टिविटीज़ आपको इस टाइमलाइन में दिख जाएगा कि आपने मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है। इवन आपको उसका मैप भी दिखेगा, मैप देखना चाहें तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया था और कहाँ पे अपना दिन आपने एंड किया है, और मेट्रो से गए हैं आप तो मेट्रो से ही दिखा देगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेट्रो दिखा रहा है, और पैदल गए हैं आप तो पैदल भी दिखाएगा, गाड़ी से गए हैं गाड़ी दिखाएगा। तो इस मैप का आप यूज़ करके अगर किसी का मोबाइल खो गया है तो सेम आईडी जो उस मोबाइल में जिससे आपने लॉगिन किया हुआ था, सेम आईडी से आपको दूसरे मोबाइल में लॉगिन करना है और गूगल मैप ओपन करके आपको टाइमलाइन चेक कर लेना है। जिस डेट को आपके मोबाइल खो गया था उस डेट को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, तो आपको एक एक चीज़ दिखा देगा कि कहाँ पे आपका मोबाइल कितना बजे कहाँ पे था और वहाँ से नेक्स्ट कहाँ पे गया है। तो ये आपको हेल्प करेगा मोबाइल को फाइंड करने में, और साथ ही किसी को अगर किसी के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, मान लीजिए कुछ लोग झूठ बोलते हैं, तो उनको झूठ को पकड़ने के लिए बहुत ही अच्छा टूल है। और इवन सबसे बड़ी बात कि अपने एक्टिविटीज़ को ट्रेस करने में, अगर हम भूल जाते कि मैं कल कहाँ था, लास्ट वीक कहाँ गया था, 10 दिन पहले कहाँ गया था, ये सारी चीज़ें आपको ये गूगल मैप हेल्प करेगा। गूगल मैप का टाइमलाइन जैसे फेसबुक का टाइमलाइन होता है, वैसे ही गूगल मैप का टाइमलाइन है, आपको लोकेशन को ये ट्रेस करता रहता है, जिससे आप इजीली देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि आपका विजिट कहाँ का था। तो ओके दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी सिक्योर।